हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ऑल। आई होप गाइस आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल तो देख ही लिया होगा। एंड नाउ फिर से हम लोग आ चुके हैं गाइस सिलमपुर मार्केट। ऑलरेडी जो लोग मेरी पहले से वीडियो देखते आ रहे हैं उन्हें तो पता ही होगा कि ऑलरेडी मैं 40 से ऊपर सिलमपुर के ऊपर पार्ट बना चुकी हूँ एंड मैंने इसको बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोर कर दिया इस मार्केट को। एंड नाउ फिर से हम सिलमपुर मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे हैं और आज जो मैंने एक्सप्लोर किया है वो है ये सिलमपुर मार्केट का पुराना बाजार। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं यहाँ पर मॉर्निंग में 11 बजे से शाम आप इसको 6 बजे तक विजिट कर लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद अगर पर्सन जाते तो सारा अच्छा सामान जो होता है, इंपॉर्टेंट सामान जो होता है वो बिक चुका होता। अब तक का जो गाइज मेरा एक्सपीरियंस है सिलमपुर मार्केट का, सारी जितनी वीकली मार्केट है सबसे ज़्यादा भीड़ सिलमपुर मार्केट में होती है। आपको मार्केट में जाने के बाद चलने की ज़रूरत नहीं है, भीड़ आपको खुद आगे लेकर के जाएगी। और सबसे ज़्यादा चीपेस्ट रेट में सामान आपको सिलमपुर मार्केट में ही मिलेगा, चाहे वो आपकी क्रॉकरी हो, आपका घर का जितना भी सामान है, डेकोरेशन का सामान ले लीजिए, कपड़े ले लीजिए, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगे और सस्ते से सस्ते में मिल जाएगी। आपकी एक बार्गेनिंग पावर सबसे बेस्ट होनी चाहिए, बाकी ऑलरेडी यहाँ पर जो रहता है रेट्स कुछ इतना हाई नहीं रहता है। और मैं बता दूं गाइस आप लोगों को पुराने बाजार में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ देखने के लिए मिलेगी, पुराने सूट वगैरह हो गए आपके ऑलरेडी जो बने बनाए होते हैं, रेडीमेड होते हैं, वो मिल जाएंगे बहुत ही सस्ते में। 100 रुपीज़ में, 50 रुपीज़ में पूरा आप लोगों को सूट मिल जाएगा विद दुपट्टा, बट यहाँ पर देखने की थोड़ी सी ज़रूरत रहती है और ये पुराना रहता है गाइस। ठीक है, और इसी तरीके से गाइस आप लोगों को यहाँ पर स्लीपर सैंडल्स वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगी ओनली फॉर 150 में। बाकी गाइस बात करें इनकी क्वालिटी की, लाइट वेटेड है, बाकी इसके अंदर कलर्स वगैरह आप लोगों को मिल जाएंगे, डिजाइन वगैरह मिल जाएंगे, जो भी कुछ है सब कुछ आपके सामने है। बट गाइस इतना सा ध्यान रखना है कि आपने जो भी सामान खरीदना है देख के खरीदना है, कुछ ऐसी चीज़ मत लीजिएगा कि लाइक आप पैसा दे रहे हैं बट आप चीज़ लेने के बाद आपको ये फील हो कि मैंने चीज़ ठीक नहीं ली है। तो पहला मेरा सजेशन ये रहता है आप जो भी चीज़ खरीदेंगे देख करके और आपके दिल को अच्छे लगे आपको हाँ जी चीज़ बढ़िया है तो आप तभी लीजिएगा। बाकी गाइज मेरा मोटिव ये रहता है कि मैं अपनी वीडियो में सारी की सारी चीज़ें जितनी होती हैं वो कवर करने की कोशिश पूरी करती हूँ। हालांकि पूरी मार्केट एक बारी में तो कवर कभी भी नहीं हो पाती, मैंने इसके पार्ट ही अपलोड किए और जिसने नहीं देखे हैं और जिसने देखने वो डायरेक्टली चैनल पर जा करके देख सकता है, सारे के सारे पार्ट की मैंने प्लेलिस्ट अपलोड की हुई है। बाकी गाइज वीडियो जो है एक नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाई जाती है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई ब्रांड या फिर किसी भी चीज़ को मैं प्रमोट नहीं करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक नॉलेज पर्पज़ के लिए वीडियो को बनाया जाता है। ठीक है, एंड ये बात भी बतानी ज़रूरी थी गाइज आप लोगों को। और बाकी गाइज इस टाइप के ड्रेसेस वगैरह भी आपको पुरानी मार्केट में ही देखने के लिए मिल जाएगी। भैया ने मेरे को इस ड्रेस का जो रेट बताया वो बताया 1100 रुपये। हालांकि ड्रेस पे वर्क काफ़ी अच्छा था और ड्रेस भी काफ़ी अच्छी लग रही थी देखने में, बाकी आप लोग देख ही सकते हैं। इसके अंदर आपको कलर्स वगैरह देखने के लिए काफ़ी सारे मिल जाएंगे। ठीक है, एंड इस टाइप से आप लोग देख सकते हो ये पुरानी मार्केट में, जैसे कि मैंने बताया कि पुराना कपड़ा बहुत मिलता है तो ये स्टार्टिंग होती है पुराने कपड़े की यहाँ से। और प्रॉपर आप लोग देख सकते हो गाइस यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा जो देखने के लिए मिलेगा पुराना कपड़ा, बेडशीट और दूसरा गाइस पर्दे, इस टाइप से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। देख सकते हो पूरी बेडशीट्स वगैरह से ही ये पूरा एरिया कवर हुआ हुआ है। बाकी देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 150 में बेडशीट्स इस टाइप की मिल जाएंगे, जो आप लोग न्यू शॉप्स वगैरह से लोगों ना गाइस 550 रुपये में वो चीज़ मिलती है, जो यहाँ पर सिर्फ आपको 150-200 रुपये में मिल जाएगी। गाइस जो लोग मार्केट ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं उन्हें मार्केट के बारे में बिल्कुल पता है, बाकी आप में से जिसने मार्केट को विजिट नहीं किया है सिलमपुर मार्केट मस्ट है, उसे आप विजिट ज़रूर करें और एक बारी मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को मार्केट कैसी लगी, बाकी यहाँ का सामान कैसा लगा। और जैसे कि गाइस आप लोगों को मैंने बताया यहाँ पर आप लोग बेडशीट देख सकते हो, ये डबल बेड से भी बड़ी बेडशीट है और सिर्फ 200 रुपीज़ में, बाकी आप लोग ये देख सकते हो इसके साथ पिलो कवर भी मिलेगा आप लोगों को। और इसी टाइप की बेडशीट्स जितनी भी होती हैं और बड़ी से बड़ी बेडशीट जो चाहिए होती है गाइस आप लोगों को यहीं से मिलेंगी। ठीक है, और एक बार आप पुराना सिलमपुर विजिट ज़रूर कीजिएगा, बाकी आप लोग देख सकते हो आगे इसी टाइप से पर्दे की, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताई थी आप लोग देख सकते हो पर्दा काफ़ी बड़ा है और सिर्फ 150 में भैया ने मेरे को बताया, और पर्दे की क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी और मजबूत है। सबसे बड़ी बात, जो हम पर्दे लेते हैं ना दुकानों से नए पर्दे कहकर जो पर्सन देता है वो 150 रुपये में, 200-250 रुपये में लेके जाते हैं, बट उनकी मजबूती मतलब टिकाऊ नहीं होती वो चीज़, ये जो चीज़ है ये आपकी लॉन्ग टाइम तक चलने वाली चीज़ है। बाकी गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी जो भी पर्सन चैनल पर न्यू आ रहा है या फिर ऑलरेडी पुराने हैं और फिर भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर ज़रूर करो और फीडबैक दे दिया करो यार आप। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपको स्लीपर सैंडल्स दिखाई थी गाइस वो 150 रुपये की थी, अभी हम आगे चल के आए हैं थोड़ी सी इसकी रेंज चेंज होगी क्योंकि ये थोड़ी क्वालिटी अच्छी है। यहाँ पर आपको 200 रुपीज़ में इस टाइप की स्लीपर्स और सैंडल्स देखने के लिए मिल जाएंगी, फैशनेबल है और ये लाइट वेटेड है, चलने वाली चीज़ है, 200-200 रुपीज़ में मिल जाएगी आप लोगों को। बट ये है जो भी लेंगे देख करके लेंगे, यहाँ पर कलर्स वगैरह आप लोगों को मिल जाएगा, साइज़ देखने के लिए मिल जाएगा सबसे बड़ी बात,
और गाइस सीलमपुर मार्केट की सबसे अच्छी बात मुझे अब तक की ये लगी कि इस मार्केट से कोई भी सामान लेके जाओ और आपको वो सामान गलत चला जाता है या आपके साइज का नहीं है या आपको वो चेंज करना है किसी वजह से, तो ईजिली आप उसको चेंज भी कर सकते हो। कोई भी यहाँ पर शॉपकीपर ऐसे नहीं है कि आपके सामान को चेंज करने के लिए मना करेंगे कि आप इस वीक लेके गए, नेक्स्ट वीक आप उसको चेंज भी कर सकते हो ईजिली। और गाइस जिसने भी अभी मेरा पिछला वाला ब्लॉग जो मैंने डाला है लक्ष्मी नगर का मंगल मार्केट का नहीं देखा है, आई बटन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आप जाकर के वो भी ब्लॉग देख सकते हैं। बाकी इस टाइप से हेयर क्लिप्स आप लोगों को, हेयर बैंड्स हो गई, रबर बैंड्स हो गई, ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। बाकी गाइस आप लोगों को वीडियो से रिलेटेड या फिर मार्केट से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट रहता है आप मुझे बिल्कुल बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, वरना तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ठीक है, इस टाइप से आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरीज वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे गाइस, ये सिर्फ और सिर्फ 150 में आप लोगों को सेट वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, इस टाइप से आप लोगों को रबर बैंड्स, हेयर क्लिप्स वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगी, चूड़ी वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे ओनली फॉर 30 रुपीज़ में। ठीक है, बाकी गाइस आप लोग आगे बढ़ के आएंगे तो इस टाइप से आप लोगों को ये टॉप वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे ओनली फॉर 100 रुपीज़ में। बाकी आप लोग देख सकते हो टॉप की क्वालिटी वगैरह। बाकी जैसा आप लोग सरोजिनी नगर जाके, लक्ष्मी नगर जाके, कृष्णा नगर जाके परचेस करके लाते हो वो चीज़ सीलमपुर में भी मिलती है सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ में। ठीक है, अभी हम चलते हैं आगे। बाकी गाइस इस बार सीलमपुर मार्केट में ज़रा भी भीड़ नहीं थी क्योंकि अभी ईद वगैरह होकर के निपटी है, तो जिन लोगों के यहाँ शादियाँ हैं वो तो मार्केट्स वगैरह विजिट कर ही रहे हैं, बट ऑलरेडी जिनकी शॉपिंग हो चुकी है तो उसके कारण इतनी मार्केट में भीड़ नहीं थी, ठीक ठाक था सब कुछ। बाकी इस टाइप से आप लोगों को साइड बैग्स वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे ओनली फॉर 350 में। और गाइस कोई भी पर्सन ये मत पूछेगा कि शॉप का नाम क्या है या फिर ये दुकान कहाँ लगती है, क्योंकि ये सारा का सारा थर्सडे मार्केट का फल रहता है जो कि सुबह मॉर्निंग से आपको 10 बजे से शाम को 6-7 बजे तक आराम से मिल जाएगा। ये सारा फल रहता है, कोई शॉप वगैरह नहीं रहती है, बस पुरानी मार्केट से मैंने छूट स्टार्ट किया है, जैसे जैसे वहाँ से आगे चलते आ रही हूँ ये सारे वहीं के फल हैं, कोई शॉप नहीं है, कभी आप लोग एड्रेस वगैरह पूछने लगे। ठीक है, इस टाइप से आप लोग कोई चूड़ी वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे, कड़े वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे ओनली 450 रुपीज़ में। ठीक है, इसमें कलर्स वगैरह मिल जाएंगे, साइज़ वगैरह इजीली आप लोगों को मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसके अंदर। बाकी आप लोग डिज़ाइंस वगैरह देख ही सकते हो। बाकी सारी बात यह है कि सीलमपुर मार्केट मुझे अब तक की सबसे बेस्ट मार्केट लगती है, ना आप लोग भी अपना रिव्यू देना ज़रूर कि आप लोगों को सीलमपुर मार्केट जितने भी आपने अभी तक मेरे पार्ट देखे हैं कि कैसी लगी, और जिन्होंने विजिट किया है वो तो मस्ट दीजिएगा। बाकी गाइस आप लोगों को इसी तरह के आर्टिफिशियल ज्वेलरीज वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगी, इस टाइप से इयररिंग्स वगैरह मिल जाएंगे आपको 100-100 रुपीज़ में, देख सकते हो। बाकी गाइस वीडियो बनाने में, आने जाने में, इसको अपलोड करने में जितनी मेहनत है प्लीज़ उतना ही प्यार आप लोग भी वीडियो पे दिखा दीजिए, शेयर कीजिए इसको और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा गाइस, आप लोगों से दिल से रिक्वेस्ट है गाइस। ठीक है, और गाइस इसी टाइप से आप लोग को ये चूड़े वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे ओनली फॉर 150 में। बाकी गाइस कलर्स वगैरह, साइज़ वगैरह जो भी आप लोगों को चाहिए इजली मिल सकता है। बाकी यहाँ पर इनकी क्वालिटीज़ वगैरह आप देख ही सकते हो, देखने में ही कितने ब्यूटीफुल से लग रहे हैं, तो अगर आप विजिट करेंगे और देखेंगे इनको तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, राइट। और इसी टाइप से आप लोगों को ये 50-50 रुपीज़ में चूड़ी वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगी। बाकी गाइस वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो प्लीज़ एक कमेंट डाउन ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों की कमेंट्स आती हैं। एंड गाइस आई एम ओपन टू फीडबैक, जैसा भी आप लोग फीडबैक देने वाले हैं वो मुझे एक्सेप्ट है, क्योंकि गलतियाँ भी इंसान से ही होते हैं, और किसी प्रकार का कोई भी आप लोगों का सजेशन रहता है कि मैं और इसको किस तरह इम्प्रूव कर सकती हूँ ताकि आप लोगों को और ज़्यादा अच्छा लगे। बाकी गाइस इस टाइप से ही आपको ड्रेसेस वगैरह, किड वेयर वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे यहाँ पे। ये ड्रेसेस वगैरह गाइस अलग अलग रेंज में, और सारी रेंज तो एक साथ हम नहीं पूछ सकते। बाकी फिर भी मैंने भैया से पूछ लिया, भैया के पास तीन ही टाइप की रेंज रहती है, 350, 450, 550। ठीक है, और उसी से ही हम आगे बढ़ के आएंगे, तो इस टाइप की गाइस आप लोगों को क्रॉकरीज वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है, ओनली 450-50 रुपीज़ में। बाकी गाइस एक सजेशन आप लोगों के लिए ये रहेगा कि सीलमपुर मार्केट में या किसी भी मार्केट में जाए अपने इंपॉर्टेंट सामान का, लाइक पर्स, मोबाइल वगैरह हो गया, उनका ख्याल रखिएगा। बाकी गाइस सीलमपुर मार्केट में जो अदर शॉप्स वगैरह लगती हैं 6 डेज में जो ओपन रहती है, वो थर्सडे मार्केट वाले दिन भी ओपन रहती है, पटरी तो उस दिन लगती है लेकिन बाकी की शॉप, ज्वेलरी शॉप्स हो गई, गारमेंट्स की शॉप्स हो गई, वो सब ओपन रहती हैं, सारे शोरूम्स ओपन रहते हैं। ठीक है, फर तो लगता ही लगता है, बाकी आप शॉप्स पर भी विजिट कर सकते हैं, वो सिर्फ अगर बंद रहता तो रहता है ट्यूसडे वाले दिन। ठीक है, यहाँ के जो मतलब डेली शॉप जो होती हैं वो ट्यूसडे वाले दिन बंद होती हैं, थर्सडे वाले दिन सारी ओपन रहती हैं। ठीक है, इसी टाइप से गाइज आप लोगों को ये ड्रेसेस मिल जाएंगे 350-350 में। और थोड़ा सा हम आगे चल के आएंगे तो इस टाइप से गाइज आप लोगों को डोरमेट्स हो गई, आप टॉवल
ब्लैंकेट्स, बेड शीट्स इस टाइप से देखने के लिए मिल जाएंगी। बाकी आप लोग टॉवल का साइज देख ही सकते हो, इसका कपड़ा भी काफ़ी बेहतरीन था, 450 रुपये की भैया ने बताई है। और इसी टाइप से इसके अंदर कलर्स वगैरह काफ़ी सारे देखने के लिए मिल जाएंगे। बाकी बेड शीट्स वगैरह गाइस आप लोग सामने देख ही सकते हो, ब्लैंकेट भी आप लोगों को सामने दिख जाएगा, भैया ने जो रेट बताया सामने बेड शीट जो है 450 रुपये। बाकी ब्लैंकेट वगैरह का रेट देखेंगे गाइस तो 1600 रुपये भैया ने मेरे को बताया। बाकी आप लोग देख सकते हो इसके अंदर कलर्स वगैरह मिल जाएंगे। और बाकी गाइस बात करूँ कच्चे कपड़े की, तो सीलमपुर मार्केट में सबसे ज्यादा आप लोगों को देखने के मिलेगा कच्चा कपड़ा इस टाइप से, और 250 रुपये में पूरा सूट आप लोगों को इजिली यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि ये बड़े पन्ने का कपड़ा रहता है। और दूसरी बात ये गाइस कॉटन है सबसे बड़ी बात, क्योंकि गर्मी का टाइम है तो कॉटन तो बहुत अच्छी चीज़ है गर्मी में, तो इस टाइप से आप लोगों को 250 में ये कपड़ा मिल जाएगा इसलिए। बाकी कलर्स वगैरह मिल जाएंगे आप लोगों को यहाँ पे, और सामने ही आप लोगों को 350 में विद दुपट्टा सूट मिल जाएगा। ये रहेंगे 350 में, मैंने जो सामने दिखा आपको 250 में वो सिर्फ कपड़ा रहेगा, बाकी पूरा सूट का शलवार कमीज एंड दुपट्टे का अलग अलग आपको तीनों चीज़ मिलेंगी, ठीक है। और बाकी इस टाइप से आप लोगों को गाइस क्रॉकरीज वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगी, देख सकते हो पूरा मतलब ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। थोड़ा सा बस आगे चल के आएंगे ना, ये सारी चीज़ें वहीं पे देखने के लिए मिल जाएंगी आप लोगों को। भैया के पास 2 रेंज थी, ये जो टिफिन वगैरह लंच बॉक्स मैंने आप लोगों को दिखाए हैं ये 100-100 रुपीज़ में, ठीक है। बाकी आप लोग आके देख ही सकते हैं, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ वीडियो में, ठीक है। और गाइस यहाँ पर आप लोगों को ये पुरानी शॉर्ट्स वगैरह हुई टी शर्ट्स वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगी 50-50 रुपीज़ में। बाकी गाइस आप लोग यहाँ तक आ ही गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सब्सक्राइब करने के लिए गाइस मुझे कितनी बार बोलना पड़ता है, बट आप लोग ने अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, अफसोस की बात है। प्लीज़ कर लो सब्सक्राइब और कर दो वीडियो को शेयर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि जिनका होता है अब तक नुकसान, ज़्यादा शॉपिंग में पैसा फेंक करके आते हैं, वो कुछ उनका फ़ायदा हो जाए और आप लोगों का भी फ़ायदा हो जाए, क्योंकि आप लोगों को दुआएं मिलेंगी बदले में, ठीक है। और इस टाइप से आप लोग को ये बैग्स वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे, साइड बैग्स जैसे कि मैंने वो दिखाए थे 350 में, बट यहाँ पर आपको जो बैग्स मिलेगा वो मिलेगा 150 में, देख सकते हो इनका थोड़ा सा क्वालिटी चेंजेस है, ठीक है। सो गाइज आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, होप सो आप लोगों ने शेयर भी कर दिया होगा वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब भी हो चुका होगा। तो इसी तरह से आप लोगों को आगे भी वीडियो मिलती रहेंगी, एंड दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का भी ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय टू ऑल।